अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सिरमौर में आयोजित किसान सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया। उन्होंने कहा कि किसान आधुनिक खेती के साथ पारंपरिक खेती भी अपनाएं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि किसानों द्वारा लगातार खेती में प्रचुर मात्रा में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने से धरती की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। हम उपज का अधिक उत्पादन लेने की चाह में अपने पारंपरिक खेती को भूलते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष पूर्व रीवा जिले में धान का नाम मात्र का उत्पादन होता था। गेहूं का भी कोई कोई किसान ही उत्पादन लेता था। अधिकांश किसान कोदो, कुटकी, अरहर, मूंग, जौ का उत्पादन ही लेते थे। खेती में आधुनिकीकरण के कारण बंपर उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन उमरी गाँव में 2,10,000 क्विंटल धान रखने की जगह नहीं है। धान उत्पादन का हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन उसे व्यवस्थित रूप से रखने की जगह नहीं है। खेती में वैज्ञानिक पद्धति अपनाने से उत्पादन बढ़ गया है, लेकिन आवश्यक है कि अनाज का अधिक पैदावार हो और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आवश्यक है कि किसान जैविक खेती करे, गोबर की खाद का उपयोग करें। रासायनिक उर्वरक की तुलना में गोबर की खाद बहुत सस्ती रहती है। उन्होंने कहा कि खेती में पुरानी परंपराओं और पद्धतियों को जीवित रखने की आवश्यकता है। आधुनिक खेती में अब 18 दिन में पकने वाला गेहूं का बीज तथा कम अवधि में तैयार होने वाला धान आ गया है। इसके उपयोग से उत्पादन तो बढ़ेगा, लेकिन इसमें गुणवत्ता एवं पौष्टिकता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने में लगी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम जैविक एवं पारंपरिक खेती करें। यहाँ के किसानों ने जहाँ कोदो का उत्पादन लेना बंद कर दिया है, वहीं कोदो 80 रुपए किलो तथा जौ का आटा 40 रुपए किलो मिल रहा है। डॉक्टरों ने कोदो को डायबिटीज रोगियों के लिए लाभदायक बताया है। किसानों को एरा प्रथा के कारण भी खेती में नुकसान होता है। इसके लिए आवश्यक है कि ग्राम पंचायतों में गौशालाएं निर्मित की जाएं। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से प्रकृति असंतुलित हो रही है, जहां इसके कारण आज हर 24 घंटे में 8.50 करोड़ लोग अपने विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए अस्पताल में रहते हैं। हमने प्रकृति के दोहन की जगह उसका शोषण प्रारंभ कर दिया है। प्रकृति से मिले उपहार का दोहन सीखना हो तो केरल राज्य का भ्रमण करें। वहां पाएंगे कि प्रचुर मात्रा में गरम मसाले का, लौंग, इलायची, हल्दी का उत्पादन हो रहा है। रोज पेड़ों की कटाई के कारण पहाड़ वीरान होते जा रहे हैं, जंगल नष्ट हो रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक विकास खंड के 8 से 10 ग्रामों का चयन कर इन्हें आदर्श ग्राम बनाएं। यहाँ पर जैविक खेती एवं गोबर की खाद का ही उपयोग किया जाए। किसान संघ के प्रादेशिक अध्यक्ष गजराज सिंह ने कहा कि प्राचीन भारत में वैदिक खेती की जाती थी। उन्होंने कहा कि सिरमौर में मिट्टी परीक्षण केंद्र होने के बाद भी मिट्टी का परीक्षण नहीं किया जाता, जिससे किसान अपने खेती से भरपूर उत्पादन नहीं ले पाते। उन्होंने कहा कि किसानों को लागत मूल्य के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। किसान समूह बनाकर प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, गौशाला का संचालन करें और खेती में तकनीक का उपयोग करें। कार्यक्रम के अवध बिहारी शुक्ला, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय सिंह, हरवंश प्रसाद शर्मा, बद्री प्रसाद द्विवेदी, के एस सिंह, जयप्रकाश, मन्नूलाल गुप्ता, पुष्पेन गौतम सहित किसान उपस्थित थे।